हेलो एवरीवन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वीडियोस की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीम्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीम्स होते क्या हैं। दो प्रकार के ऑक्सीम्स होते हैं, एक होता है एल्डॉक्सीम और दूसरा होता है कीटॉक्सीम। जैसा कि नाम से ही इसके पता चल रहा है कि एल्डॉक्सीम जो है वो एल्डिहाइड से बनेगा और कीटॉक्सीम जो है वो कीटोन से बनेगा। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक रिएक्शन लिख दी है कि जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से एक कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा H2O बाहर निकल जाता है, जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और चूंकि हमने एल्डिहाइड लिया है तो जो नया कंपाउंड हमको प्राप्त होगा वो एल्डॉक्सीम प्राप्त होगा। एल्डॉक्सीम के अंदर हम देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, अवरुद्ध घूर्णन होता है। इसलिए इसके जो दो प्रकार के समावयवी बनते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। पहला समावयवी कैसा बन सकता है जिसमें H और OH सेम साइड हो और दूसरी साइड नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हो। दूसरी संभावना ये है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरफ हो और H और OH एक दूसरे के ऑपोजिट हों। तो एल्डॉक्सीम के जो दोनों पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इनमें हमको नामकरण करने के लिए H और OH को ही देखना है, R को नहीं देखना है। R चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, इसको नहीं देखना है। नॉमेनक्लेचर के दौरान अभी सिन और एंटी नाम देंगे इसका। तो आप ऐसा समझ लीजिए याद रखने के लिए अपने कि सिस जो है वो सिन है और ट्रांस जो है वो एंटी है। तो जब H और OH सेम साइड होंगे जैसा कि आपको सिस में बताया था तो एल्डॉक्सीम के केस में इसको हम सिन आइसोमर बोलेंगे और जब ये ऑपोजिट होंगे तो इसको एंटी बोलेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं कि कीटॉक्सीम्स में कैसे आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। कीटोन की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो जल का एक अणु निकल जाता है और कीटॉक्सीम बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कीटॉक्सीम के दो पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं यदि हमने एसिमेट्रिक कीटोन लिया है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए कीटोन को एसिमेट्रिक होना ज़रूरी है। यदि ये दोनों ग्रुप सेम होंगे तो फिर इस और इस आइसोमर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसा कि एल्डॉक्सीम में हमने देखा था कि एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो ये वैसे भी डिफरेंट हो गए एक दूसरे से। उसी प्रकार कीटोन हमको सिमेट्रिक नहीं लेना है, सममित नहीं लेना है। मैं यहाँ अगर एसीटोन लिख दूँ तो फिर गलत है, फिर ज्यामिति समावय भी नहीं बनेंगे क्योंकि एसीटोन में ये भी CH3 होता है, ये भी CH3 होता है। तो आप सिन और एंटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिया एसिमेट्रिक कीटोन जिसमें कि दोनों एल्किल समूह डिफरेंट लगे हुए हैं, एक दूसरे से अलग हैं और हाइड्रोक्सिल एमीन से जब रिएक्शन करवाई तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, संघनन अभिक्रिया है, तो जल का एक अणु संघनित होकर निकल गया और बाकी पूरे ये दोनों पार्ट जुड़ गए तो कीटॉक्सीम बन गया। कीटॉक्सीम के दोनों समावयवियों का नामकरण करने से पहले हमको इसका प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, प्राथमिकता का क्रम पता होना चाहिए। तो वही जो हमने आपको RS नॉमेनक्लेचर के दौरान बताया था कि आप कैसे प्रायोरिटी तय करते हो, एटॉमिक नंबर देखना होता है, ग्रुप में फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर यदि सेम हो तो सेकंड एटम देखना पड़ता है। उसी नियम से इन दोनों को हम प्राथमिकता दे देंगे, जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी उसको 1, जिसकी कम होगी उसको 2। अब यदि प्राथमिकता 1 वाला
जो समूह है वो OH की तरफ है, यानी ये दोनों सेम साइड हैं, तो नाम हो जाएगा सिन। और प्राथमिकता वन वाला समूह जो है वो OH की विपरीत दिशा में है, तो इसका नाम हो जाएगा एंटी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहे कार्बन कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, या फिर चक्रीय संरचना में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो इन तीनों के ज्यामिति समावयवी बन सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ज्यामिति समावयवियों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग-अलग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।